सर मैं बताऊँ सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी हो रही होगी इस चलो पूरे शुरू लॉकडाउन करो, में। अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, अभी करते हैं आराम से, है ना, उसके बाद हाँ ठीक सर है। ठीक है ठीक चलो मान है लो भैया। ये क्या है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, एल आर सर्किट। एल आर मतलब समझते हो, एल मतलब क्या, यहाँ पे है लेफ्ट ना, सेल्फ इंडक्टर है, एक हमारे पास सर्किट में एक इंडक्टर है, ये दिख रहा है एलिमेंट इंडक्टर, हाँ सर और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, कि इस एल आर सर्किट में करंट बढ़ता कैसे है ना, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच है, सर, स्विच, हाँ बोलो। सर इंडक्टर को ही सोलेनॉइड बोलते हैं क्या? जनरली जनरली सोलेनॉइड इंडक्टर ही होता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड को सिर्फ मेटल को एक वाउंड अप किया जाता है ना कॉपर कॉइल से। हाँ ठीक है। चलो तो ये जो स्विच है इसको हम क्लोज कर देंगे, कब, टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक बराबर है। सर अच्छा तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो सर्किट में करंट है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में जो करंट है वो क्या होता है, वो जीरो है। अब ऐसा क्यों है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे सर इस करंट जो स्विच बंद करने के तुरंत बाद करंट हमारा जीरो आ रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडक्टर जो है हमारा, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि, ठीक है, जो कि सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। मतलब ये जो है ना इंडक्टर, ये करंट को अचानक से बढ़ने नहीं दे, इंडक्टर का काम ही यही होता है कि करंट में सडन चेंजेस वो अलाउ नहीं करेगा। ऑफ कोर्स अनलेस यू ब्रेक द सर्किट, सर्किट ब्रेक कर दोगे तो जीरो ही हो जाएगा करंट। लेकिन मतलब ऐसा कि हमने ये स्विच कनेक्ट किया और ये नहीं कि अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। स्विच कनेक्ट करने से जस्ट पहले कितना था करंट सर्किट में, जीरो था क्योंकि टूटा हुआ सर्किट था। स्विच कनेक्ट करने के जस्ट बाद भी जो करंट होगा सर्किट में वो जीरो ही रह जाएगा। ये क्यों, ये खास प्रॉपर्टी है इस इंडक्टर की, क्या है कि ये सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करेगा। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब मैंने सिखाया था ना केवीएल कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से, मैंने बताया था ना कि इंडक्टर में जिधर से करंट एंटर होगा उधर क्या लेना है, बताओ। पॉजिटिव लेना है, देखो यस पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव। जिधर से करंट लीव करेगा उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और ईएमएफ कितना डालना है इसमें, एल डी आई बाई डी टी, ध्यान रहे माइनस एल डी आई बाई डी टी मत डालना, ठीक है। क्या डालना है, एल डी आई बाई डी टी। फिर वैसे ही रेजिस्टर में जिधर से करंट एंटर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, जिधर से करंट लीव करेगा वो नेगेटिव। रेजिस्टेंस में कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई आर। चलो और ये हमारा ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ ई। अब लगा दें केवीएल लूप में, बोलो। हाँ चलो तो यहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से बढ़ते हैं, कैसा, काउंटर, सॉरी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो यहां से यहां बढ़े, क्या हुआ, फॉल फॉल मिल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, कितने का फॉल मिल रहा है, एल डी आर बाई डी टी। फॉल की वजह से यहाँ पे माइनस साइन लगाया मैंने, माइनस एल डी आर बाई डी टी, चलेगा, बोलो। फिर आई रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि फिर से फॉल हो रहा है, ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़े, क्लियर। तो माइनस आई आर, यहां से करते 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 यहां पे पहुंचे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप मारा तो क्या मिल रहा है, राइज मिल रहा है पोटेंशियल का, तो प्लस ई। यहाँ पे पहुंच गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, वापस उधर ही पहुंच गया ना, ठीक है। अब कोई फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ई यहाँ पे करके सब कुछ कर कुरा के हमने जीरो कर दिया इसको, क्यों। अच्छा अब ये क्या है, ये किसी भी टाइम टी का सिचुएशन है, ये ऐसा एट एनी टाइम टी आई इज द करंट इन द सर्किट, तो हमको यही आई निकालना है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एल डी आर बाई डी टी को इधर लेके गए राइट साइड पे और इधर छोड़ दिया हमने ई और माइनस आई आर को, देखो ऐसा इसको रीअरेंज करके आ गया। अब हमको चाहिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट वाले जितने टर्म्स हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करो, तो इकट्ठा कर लिया डी आई बाई ई माइनस आई आर, इकट्ठा कर लिया और डी टी बाई एल को उस तरफ ले गए,
है ना, थोड़ा सा रीअरेंज और कर लिया और इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये इंटीग्रेशन इतना तो आना चाहिए तुम लोगों को कि नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ लिया हो ना सब। तो ln e माइनस आई आर और i का जो कोएफिशिएंट है, i का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस आर है ना, तो माइनस आर से डिवाइड कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो इसलिए यहाँ पे माइनस वन बाई आर आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू टी बाय एल। और चूंकि हमने बिना लिमिट का इंटीग्रेशन किया है तो हमने कॉन्स्टेंट सी डाला यहाँ, ठीक है, चलो बढ़िया, एकदम ही आसान। अब ये टी की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमको पता है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है, जीरो था, तो यहाँ पे डालते हैं करंट की वैल्यू जीरो डालते हैं, टी की वैल्यू जीरो डालते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन बाई आर एल एन ई इज इक्वल टू जीरो प्लस सी। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, सी का वैल्यू मिला माइनस वन बाई आर एल एन ई, तो यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ये मिल गया। अब ये वही इक्वेशन था, इसमें हमने सी की वैल्यू डाली कितनी, ये वाला जो इक्वेशन था ना, इस वाले इक्वेशन में हमने सी की वैल्यू डाल दी माइनस वन बाई आर एल एन ई, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस वन बाई आर क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई आर हो जाएगा, मानते हो? तो प्लस वन बाई आर, अब मतलब इन दोनों टर्म्स में, सॉरी यहाँ पे ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो वन बाई आर एल एन ई माइनस वन बाई आर एल एन ई माइनस आई आर चलेगा, इज इक्वल टू टी बाई एल, ये आ रहा हमारे पास है ना। अब इसमें वन बाई आर कॉमन ले लो तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इतना तो बेसिक पता होगा सबको, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी, बोलो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास एल एन ई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू टी बाई आर। अब ये आर को उधर लेके जाओ तो आर टी बाई एल हो गया, ये एल एन ई बाई ई माइनस आई आर। अब एल एन हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ई का पावर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके पहले एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा क्या, बोलो, ये एल एन वाले टर्म को अगर उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बोलो, यस, चलो, तो एल एन ई माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसके इस अंदर वाले टर्म को, तो वन ई बाई ई क्या हो गया, वन वन माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। अब इसमें हमने क्या किया कि ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल है, इसको हमने ऐसा लिख दिया ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू कितना, एल बाई आर, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, बोलो, ये हमने अज्यूम किया tau is equal to l by r अज्यूम किया, तो इसको इस फॉर्म में लिख पाऊंगा मैं, बोलो, हाँ सर, एकदम ही सिंपल, कुछ दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां से क्या हो गया, इस टर्म को राइट साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा आई आर बाई ई, और इसको लेफ्ट में लेके आओ ये वाले टर्म को, तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई tau इज इक्वल टू आई आर बाई ई, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी e by r 1 minus e to the power minus t by tau, क्यों बोलो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो t by tau क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बोलो, टाइम इंक्रीजेस तो टी बाई टाउ क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो अब ये चीज बताओ मुझे कि जो e का पावर माइनस टी बाई टाउ क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, e का पावर नेगेटिव हो रहा है ना, नहीं समझे, e का पावर जो है वो क्या हो रहा है, और नेगेटिव हो रहा है ना, तो e का पावर और नेगेटिव हो रहा है, तो ये जो टर्म है ये क्या हो रहा है, ये कम होता जाएगा, बोलो, अब ये चीज कम होती जाएगी तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कम हो रहा है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये वाला टर्म बढ़ रहा है, आई बात समझ,
यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, बोलो, बढ़ रहा है, क्लियर? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ करंट, क्लियर? अब जैसे मान लो टी टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, अगर टी टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो गया क्या ये? अब ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, ई बाई आर। बोलो। हाँ सर। तो देखो अब मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो करंट का जो ग्राफ आएगा, करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, है ना, इस तरह का। और जैसे जैसे टी टेंड्स टू इंफिनिटी तो करंट क्या है, ई बाई आर को टच करने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली ई बाई आर नहीं होगा। आई बात समझ में, दिख रहा है एग्जैक्टली ई बाई आर क्यों नहीं होगा, समझ में आया? एग्जैक्टली ई बाई आर होने के लिए क्या होना चाहिए, इनफिनिटी टाइम। हाँ, मतलब एग्जैक्टली ई बाई आर होने के लिए ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है, ये पूरा जीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म कभी पूरा जीरो तो नहीं होगा ना, क्लोज टू जीरो हो सकता है, पॉइंट जीरो 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 बीस जीरो वन हो सकता है, पच्चीस जीरो वन हो सकता है ऐसा, लेकिन कभी एग्जैक्टली जीरो हुआ क्या? नहीं। तो करंट ई बाई आर को टच नहीं करेगा, मतलब लगेगा कि टच कर रहा है, कब, व्हेन टाइम टेंड्स टू कितना, इनफिनिटी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला में अगर टी इज इक्वल टू टाउ डाल दो तो कितना होता है, टी इज इक्वल टू टाउ डालो तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन हो जाएगा क्या? वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन, मतलब ई बाई आर वन माइनस वन बाई ई, लिख सकते हो इसको, वन माइनस वन बाई ई ये आता है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट सिक्स थ्री ई बाई आर। अब ई बाई आर क्या है, मैक्सिमम करंट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ पॉइंट सिक्स थ्री आई मैक्स लिख सकता हूँ क्या? ई की वैल्यू क्या होती है? ई तो बैटरी का ईएमएफ है ना, जो सर्किट में हमने लगाया हुआ बैटरी ऑलरेडी, क्यों? हाँ, 2.4 है। हाँ, तो वो नहीं से। हाँ, फिर कौन सा? अच्छा, ये 2.71 ना, ये स्मॉल वाला ही। स्मॉल वाला। हाँ, आई बात समझ? हाँ, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट है वो मेरा कितना हो गया, 0.63 ई बाई आर। बोलो। यानी कि तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं एक टाइम कांस्टेंट को, क्या डिफाइन करते हैं, इन वन टाइम कांस्टेंट करंट ग्रोज टू 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ? बोलो। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. कोई परेशानी इसमें किसी को, कुछ भी, एकदम ही सिंपल था ग्रोथ ऑफ करंट। यस सर।